गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के निर्मल चित्त से कोमल सुभाषित शब्दों का संग्रह है ये उनकी कविता वरदान। वरदान कविता का भावार्थ कुछ इस तरह है। गुरुदेव करुणा में परमात्मा से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें सारे दुख दर्द कष्ट सब दे दिए जाएं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उन्हें इन सब से लड़ने की शक्ति और ताकत दी जाए। पूरी कविता में गुरुदेव ईश्वर से साहस और आत्मबल मांग रहे हैं। अंत में गुरुदेव अनुनय करते हैं कि चाहे सब लोग उन्हें धोखा दें, सब दुख उन्हें घेर लें, पर ईश्वर के प्रति उनकी आस्था कम ना हो, उनका विश्वास बना रहे, उनका ईश्वर के प्रति विश्वास और उनकी आस्था कभी ना डगमगाए। गुरुदेव ईश्वर से विपत्तियों से भयभीत ना होने का वरदान चाहते हैं। सुख वरेशन में भी गुरुदेव नतमस्तक रहना चाहते हैं ताकि उनके मन में कभी घमंड उत्पन्न ना हो। गुरुदेव दुख भरी रातों में ईश्वर के सामर्थ्य पर शंका भी नहीं करना चाहते हैं। गुरुदेव का तो भाव यही है कि हमें ईश्वर को हर पल याद रखना चाहिए। पराया मनुष्य दुख में तो ईश्वर को याद करते ही हैं, परंतु सुख में भूल जाते हैं। हमें सुख के प्रत्येक पल में परमात्मा का एहसास करना चाहिए, उन्हें स्मरण रखना चाहिए। गुरुदेव बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भगवान आकर उनकी मदद करे। वे भगवान को किसी भी काम के लिए परेशान नहीं करना चाहते, अपितु स्वयं हर चीज का सामना करना चाहते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ये कविता वरदान कर्मठता तथा संघर्षरत रहने की प्रेरणा देती है। विपत्तियां मनुष्य के बुद्धि बल साहस और कार्य कुशलता के लिए कसौटी के समान है। आइए कविता वरदान का श्रवण करें और मनन भी करें। प्रभो विपत्तियों से रक्षा करो, ये प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत न होऊं, यही वरदान दे। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता, दुखों पर विजय पाऊं यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है। तेरी सहायता
मुझे ना मिल सके तो भी ये वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य ना बनूं। संसार के अनिष्ट अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण न हुआ। मुझे बचा ले ये प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूं। मेरा भार हल्का कर दे ये याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता। ये भार वहन करते चलता रहूं यही प्रार्थना है। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी तब मैं शंकित ना हूं यही वरदान चाहता हूं। हम अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास रखें और उस महाशक्ति के प्रति श्रद्धावान रहते हुए जीवन जीना सीखें। इस कविता में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का यही संदेश है। आप सभी पर उस परमपिता परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहे।